Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भारत के सन्यासी का संकल्प कभी निष्फल नहीं होता है। मेरा संकल्प है कि दिग्विजय यज्ञ करने जा रहा हूं, दिग्विजय के लिए दिग्विजय यज्ञ करने जा रहा हूं, 5.5 क्विंटल मिर्ची का यज्ञ, जिसमें मेरा प्रण है कि अगर दिग्विजय को कहीं ना कहीं हासिल सफलता नहीं होती है तो मैं उसी जगह उसी कुंड में जिंदा समाधि ले लूंगा। दिग्विजय सिंह तो हार गए और उनके हारने के साथ ही कंप्यूटर बाबा गायब हो गए थे। बड़ी मुश्किल से राहुल नाम के एक व्यक्ति ने उनका फोन नंबर ढूंढा और जब उनसे फोन पर बात की और उनसे पूछा कि समाधि कब ले रहे हो बाबा जी, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हेलो जी, जी हेलो, हाँ बोले, कौन? स्वामी जी बोल रहा हूँ। कौन स्वामी? आपने किसको लगाया? अरे आपने समाधि लेने का बोला था ना दिग्विजय सिंह की हार पे। तो आप कौन बोल रहे हैं? हम भोपाल से बोल रहे हैं। नाम? राहुल। बोले राहुल, आपने समाधि लेने का बोला था, तो फिर कब ले रहे हैं आप समाधि? कोई आपको जरूरी है क्या? आप स्वामी होके झूठ बोलेंगे क्या फिर आप? तो आप ये शिक्षा तो अपने लोगों को दीजिए, हमें मत दीजिए। अपने कौन से लोगों को? तुम जिसके पढ़ाए हुए पोते चल रहे हो, जिसके पढ़ाए हुए उनको शिक्षा दीजिए कि जब एक देश की साध्वी बोल सकती है कि राष्ट्रपिता के हत्यारे चौक से हैं। अरे रे, आप वो कहां की बात? अरे आप राष्ट्र भारत, तो मतलब अच्छा है, कोई संत कोई, नहीं बोल सकता है क्या? इसमें तुम ठेकेदार हो क्या? कोई झूठ बोलेगा तो मतलब आप भी झूठ बोलेंगे। तुम ठेकेदार नहीं हो मेरे, ठीक है ना? कोई झूठ बोलेगा तो आप भी झूठ बोलेंगे। तुम मेरे ठेकेदार थोड़े हो, आप कैसे संत हैं? जज थोड़े हो, कोर्ट थोड़े हो, संत हो आप? बिल्कुल ऐसा छाती समाधि ले लूंगा, दुनिया देगी। तुम जज नहीं हो, वकील नहीं हो। वकील हूँ मैं, तुम बात कर रहे हो? मैं वकील हूँ, मैं वकील हूँ। अब वकील हो तो आप जाकर के कोर्ट में जाकर के केस लगाइए। अरे क्या केस लगाए, आप हिंदू के संत हो के आप इतना बड़ा अपने आप तो मजाक कर रहे हैं। केस लगाइए जज की अदालत में, खटखटाइए कि यार ये कैसा बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के संत भी झूठ बोलने लगे हैं। ये सब मुझे क्यों शिक्षा दे? आपको मेरा नंबर पहले किसने दे दिया? दूसरी बात, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो कब समाधि लूंगा कब नहीं लूंगा? क्या मैंने पत्र का वार्तालाप की तब तुमको पूछा था क्या? स्वामी जी सुनिए तो जी, स्वामी जी को ज्ञान मत बांटिए यार। आपको थोड़ी सी शर्म आज आई कि नहीं आई दिग्विजय सिंह की हार पे? किसको? आपको। क्यों? थोड़ी सी शर्म महसूस हुई कि नहीं? आप तो 51 किलो मिर्ची। नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म महसूस नहीं हुई है। स्वाभाविक करके जो समाज ने निर्णय लिया मैं उसको मानता हूँ। उसके बाद में मैं कल भी दिग्विजय सिंह के साथ था, आज भी दिग्विजय सिंह के साथ हूँ। जब तक मेरे श्वास है जिंदगी भर रहिएगा, जिंदगी भर रहिएगा। और एक मिर्ची का हवन और करवाइए। बिल्कुल करवाऊंगा, रखिए फोन, ठीक है, धन्यवाद। आपको बधाई हो।